नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी आई क्यू में स्वागत है। इस वक्त की बहुत ही ज़रूरी सूचनाएं सभी अभ्यर्थियों के लिए। जितने भी अभ्यर्थी थे, चाहे वो वाल्मीकि समाज के हो या अन्य समाज के व्यक्ति हो, सभी के लिए यहां पर बड़ी खबर है। अन्य समाज को लगा बड़ा झटका, वाल्मीकि समाज को हुआ बड़ा फ़ायदा। तो चलिए दोस्तों, पूरी जानकारी जानेंगे। जो कल मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी दोस्तों, वह नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और प्लेलिस्ट भी बना रखी है मैंने सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर। अब भर्ती दोस्तों 30,000 पदों पे होगी। इसका ऑफिशियल जो है नोटिस आ चुका है, ये रहा ऑफिशियल नोटिस, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हो। अब जो है भर्ती 30,000 पदों पर होगी, साफ साफ बताया गया है। उसके अलावा यहाँ पर जो है एक बिंदु नंबर 13 जो है उस पर सहमति बनी है, वो बिंदु नंबर 13 क्या है वो मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा सारी जानकारी आपको कल वाले वीडियो में मिल जाएगी। बार बार में बताने से दोस्तों बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। कल वैसे ही वीडियो 8 मिनट का है, तो अब दोबारा बताऊंगा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप उस वीडियो को देख लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा और लास्ट में भी आपको दिखाई देगा, उसे आप देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब जो है 13 नंबर के बिंदु की तरफ ले चलते हैं। ये रहा ऑफिशियल नोटिस है दोस्तों, ये जो 2013 की भर्ती वाला उसी की बात की गई है कि जो बिंदु नंबर 13 है 2000 भर्ती का, उसे लागू किया जाए इस भर्ती परीक्षा में। तो चलिए अब वो बिंदु नंबर क्या है, ये रहा दोस्तों, ये रहा यहाँ पर बिंदु नंबर 13। चयन प्रक्रिया कुल 30,000 पदों की के लिए की जानी है, यानी कि कितने पदों पे होगी भर्ती, 30,000 पदों पर। किंतु प्रथम चयन में सामान्य और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के 20,000 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिनके आरक्षण की प्रक्रिया इस प्रकार गई। मतलब इसमें वो SC ST मतलब जो जनरल वाले वगैरह OBC के हैं, तो इस सब की इनकी किसी की नहीं होगी, बस इनमें किसकी होगी आगे बताऊंगा। जैसे कि 50% और 16% दोस्तों ये सामान्य और अनुसूचित जाति के होते हैं, तो इनको बनता है वैसे तो, परंतु इन दोनों वर्गों के पदों यानी कि जो सामान्य हैं और अनुसूचित जाति, इन दोनों वर्गों के जो पद है उन पर केवल और केवल 66% के विरुद्ध परंपरागत सफाई कार्य, जिसमें रोड स्वीपिंग, सीवरेज सफाई, नाला नाली सफाई, कचरा संग्रहण, परिवहन तथा मृत पशुओं का निस्तारण आदि से जुड़े परिवारों के अभ्यर्थियों तथा यानी कि वाल्मीकि, हेला समाज आदि के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि जो 66% आरक्षण है दोस्तों 30,000 भर्तियों में, वह केवल और केवल किसको है, उन अभ्यर्थियों को है जिनके परिवारों ने या तो ऐसा काम किया है, या फिर जो है वाल्मीकि समाज से हैं वह, या फिर हेला समाज से हैं। तो वही अभ्यर्थी इस 66% आरक्षण के लिए क्या होंगे, पात्र होंगे। यानी कि 30,000 वैकेंसियों में से जो 66% जो आरक्षण है वह इन जातियों को है। इसके अलावा अब देखिए आगे, अवशेष जो मतलब शेष बच गए हैं 10,000 पद, यानी कि 10,000 पद मान लीजिए, या आप जो अन्य जो आरक्षण बचाए आप लोगों के लिए, वो 34% आप मान सकते हो। 34% आरक्षण यानी कि 10,000 पदों पर अन्य वर्गों की भर्तियां द्वितीय चरण में की जाएगी। इस प्रकार प्रथम चरण 20,000 व द्वितीय चरण 10,000 पदों पर उपरोक्तानुसार प्रवक्ताओं को ध्यान में रखते हुए चयन किया जाएगा। यानी कि 66% आरक्षण जो है वो वाल्मीकि समाज वगैरह को दिया गया है, और 34% आरक्षण अन्य जातियों में, आप लोगों को पता है सभी आ जाती है, जैसे कि SC ST और OBC जनरल, EWS MBC, तो वो सभी जातियों को आरक्षण है यहाँ पर 34% में। तो आप देख लीजिए, ये 13 नंबर पॉइंट था और इसमें भी 13 नंबर पॉइंट में सहमति बनी थी। देख लीजिए, भर्ती प्रक्रिया में नियमों को बनाए जाते समय नगर पालिका नियम दिशा निर्देश 2013 में वर्णित भर्ती संबंधित प्रावधानों के बिंदु संख्या 13 को दृष्टिगत रखा जाएगा। और जानकारी आप लोग जो है उस वीडियो में देख ही लीजिए। अब आपको वीडियो दिखाई देगी थोड़ी देर बाद लास्ट में, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, प्ले लिस्ट भी बना रखी है, तो वहाँ से आप सफाई कर्मचारी भर्ती से जुड़ी हर पल पल की अपडेट जान सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, जानकारी पसंद आई है तो अब इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और ये 13 नंबर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि इससे साफ समझ सकते हो कि 66% आरक्षण वाल्मीकि समाज को, अन्य को 34%। तो इस प्रकार होगी अब भर्ती प्रक्रियाएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।